नमस्कार दोस्तों, पवन वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पवन वाग एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैथ्स के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और जनरल नॉलेज के वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब पवन वाग एकेडमी। दोस्तों, फैक्टराइजेशन पार्ट वन वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। आज हम जो फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होंगे, उसमें हर टर्म में एक पार्ट ऐसा होगा जो सब में कॉमन होगा, और हमें उसे कॉमन निकालकर उस तरह से उसको फैक्टराइज करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत सिंपल है, मतलब जो आपने लास्ट वाले में किया था वही आपको आज ही करना है। सिर्फ इतना था कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो फैक्टराइजेशन किए थे उसमें टर्म्स अलग अलग देके रखी थी, उसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं था, और आज हम जो करने वाले हैं उसमें प्लस और माइनस की साइन होगी। कोई बहुत ऐसा डिफरेंट काम नहीं है, सिर्फ उसके बीच में साइन लगी होगी। तो देखते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, मैंने यहां पर कुछ तीन क्वेश्चन लिख के रखे हैं। Now we will factorize these algebraic expressions. इनको हम कैसे factorize करेंगे? तो what I said कि हमने जो पहले किया उसमें हम लोग क्या करते थे, GCD निकालते थे, HCF निकालते थे और उसको common कर लेते थे। मतलब हर term का पहले factorization करते थे, उसमें जो common terms होती थी उसको हम GCF कहते हैं, उसको हम common निकालते थे। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ 15 देके रखा है, 20 देके रखा है। अब देखिए, 15 और 20 इसका हमको factorization करना है, और ये जो numbers लिखे हैं, ये जो वेरिएबल्स लिखे हैं एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर, हमको इसको भी फैक्टराइज करना है। तो अगर देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, मतलब क्या कि हमको इन सबको फैक्टराइज करके लिखते हैं हम, ठीक है। अब कैसे उसको करेंगे, 15 को हम लिखेंगे 5 × 3, एक्स स्क्वायर होगा x × x × y, प्लस 20 को हम लिखेंगे 5 × 4 = 20, x as it is, और y को हम लिखेंगे y × y। अब देखिए, इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन है 5, कॉमन है x, कॉमन है y, और क्या कॉमन है इसमें, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा। तो इस 5xy को एक काम करते हैं, हम लिखते समय थोड़ा इसको अलग से अरेंज करके लिखते हैं। मींस वी राइट लाइक दिस, 5xy × 3x, प्लस इसको लिख लीजिए 5xy × 4y। देखिए, एक काम करता हूं मैं, इस 3x को और इस 4y को मैं थोड़ा अलग इसमें लिख लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये हो गया 3x, देखिए 3x और ये 4y। तो यहां से 5xy दोनों जगह कॉमन है, आई विल टेक इट आउट कॉमन। इस 5xy को मैं कॉमन लेता हूं, 5xy कॉमन आ गया, यहां बचेगा अंदर 3x प्लस 4y। बस इस तरह से हमको फैक्टराइज करना है। कोई बहुत ऐसा नया आज हम इसमें ये नहीं है, जो हमने पहले प्रीवियस जिस वीडियो में हमने किया था वही यहां पर करना है। सिर्फ इतना था कि प्रीवियस वीडियो में सारी टर्म्स देके रखी थी, यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो भी टर्म्स से मिलकर ही बने होते हैं, सिर्फ हमें प्लस और माइनस बीच में लगाना होता है। अब देखिए, इसको अगर आप देखें, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों टर्म में ऐसा कोई नंबर है क्या, जैसे 12, 15 और 9, ये तीनों किसी के टेबल में आते हैं क्या, पहले ये देखना। देखिए, यहाँ पर 15 और 20 किसके टेबल में आते थे, तो 5 के टेबल में आते थे, हमने 5 के फॉर्म में इसको लिख दिया। ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, पहले देखिए, ये तीनों आते हैं 3 के टेबल में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 3 = 12, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे x × x, ठीक है। 15 को हम लिखेंगे 3 × 5 = 15, एक्स एज इट इज, और इसे हम लिखेंगे 3 × 3। अब देखिए, इसमें कॉमन क्या है, यहां 3, यहां 3 और यहां 3, और बाकी फिर देखिए, यहां x है, यहां x है, यहां x नहीं है, ओके। तो विल टेक आउट ओनली 3 कॉमन, तो 3 को कॉमन निकालते हैं। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 4, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहां बचेगा 5x, प्लस यहां 3 निकल गया कॉमन ऑलरेडी, यहां बचेगा 3। बस इस तरह से हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है, ये बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ओके। आगे हम इसको करते हैं, यहां देखिए 11, 12 एंड 5,
ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें अगर हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स देखें तो इन कोएफिशिएंट्स में ये किसके टेबल में आते हैं? ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में तीनों आए, ओके। तो यहाँ पर कॉमन ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। अगर सारे इवन होते तो हम टू के मल्टीपल में उसको लिखते, अगर थ्री के टेबल में आने वाले होते तो थ्री के टेबल में लिखते हैं, थ्री के मल्टीपल में, जैसे हमने यहाँ पर इसको देखा। यहाँ ऐसा कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ कॉमन क्या है, देखिए एक्स यहाँ, एक्स यहाँ, एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर, तो एक्स वाई ऐसा है, एक्सक्यूज मी, एक्स वाई ऐसा है जो तीनों जगह पर है। तो हम क्या करेंगे, इलेवन एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर के कारण यहाँ लिखेंगे एक्स, ये है ट्वेल्व एक्स वाई इंटू वाई माइनस फाइव एक्स वाई। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो पहले हम एक्स वाई जो कॉमन है उसको हम अलग लिख लेते हैं, पहले एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई इंटू यहां क्या बचेगा इलेवन एक्स माइनस, फिर से यहां पर लिखे हम कॉमन जो है वो एक्स वाई, और क्या बचा है यहां पर ट्वेल्व वाई, ठीक है ट्वेल्व वाई को लिखिए, थोड़ा अलग से हम जब लिखते हैं तो थोड़ा उसमें आपको क्लियरली समझ में आता है। और ये एक्स वाई को मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं, ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया इंटू फाइव। अब देखिए सब जगह कॉमन है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो हम एक्स वाई को कॉमन निकालते हैं और जो बचता है हम उसको लिख देते हैं, दैट इज इलेवन एक्स माइनस ट्वेल्व वाई माइनस फाइव। बस इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन करना है, मीन्स यहां फैक्टराइजेशन का जो मेन अगर देखें तो ये जो एक्सरसाइज 7.2 जो है आपकी, ये किस पर बेस्ड है, फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर ऑकर्स इन द टर्म्स इन ईच टर्म्स। कॉमन मोनोमियल फैक्टर, देखिए कॉमन मोनोमियल फैक्टर, ये कॉमन मोनोमियल यहां पर कॉमन मोनोमियल बनाए, ये कॉमन मोनोमियल तीनों में दोनों में था, यहां पर कॉमन मोनोमियल थ्री था जो बाहर निकल गया, यहां पर कॉमन मोनोमियल एक्स वाई था जिसको हमने बाहर निकाल लिया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कॉमन मोनोमियल हो तो उसके ऊपर बेस्ड ये हमारी एक्सरसाइज है। अगला जो आएगा वो कॉमन बाइनोमियल वाला आएगा, अगली जो एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक्सरसाइज 7.2 जो आपको देखिए रखी है बुक में आरडी शर्मा में, उसका हम उसमें देखिए देयर आर 17 क्वेश्चंस, तो अब उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 7.2 में जैसा कि मैंने कहा 17 क्वेश्चंस है, और उन 17 क्वेश्चंस में से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिख के रखे हैं, थर्ड सेवंथ इलेवंथ फिफ्टींथ एंड सेवनटींथ। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले थर्ड देखिए, थर्ड में अगर आप टर्म्स को देखते हैं तो देर आर ओनली टू टर्म्स बाइनोमियल में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें देखे रखा है 20 और 15, मतलब ये 20 और 15 किसके टेबल में आते हैं, ये आते हैं 20 आता है 5 के टेबल में, 5 4 जा 20 इसको लिख सकते हैं हम, और देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम 5 3 जा 15 लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले इसमें सिर्फ जो नंबर है उनको लिख लिया। अब देखिए ए की पावर यहां पर, यहां ए पावर 12 है, यहां ए पावर 8 है, मींस क्या, अब मैं 12 जो a पावर 12 है मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं a पावर 8 इंटू ए पावर 4, वाई बिकॉज 8 प्लस 4 होता है 12, ये इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर a पावर 8 है। देखिए दोनों जगह पर जो जो भी वेरिएबल हो उस वेरिएबल, अगर दो एक वेरिएबल ऐसा है जो सभी टर्म्स में है तो उसकी जो मिनिमम जो एक्सपोनेंट होती है, मिनिमम पावर होती है, हमको उसको लिखना होता है और उसी को हमको कॉमन निकालना होता है। तो यहाँ a पावर 8 है, यहाँ पर a पावर 12 है, तो a पावर 8 इन दोनों में से कॉमन आएगा, इसके लिए मैंने इसे a पावर 8 इंटू a पावर 4 लिख दिया। यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b पावर 4 है, यहाँ मिनिमम पावर b की क्या है, b की मिनिमम पावर है 2, तो वी विल राइट दिस b स्क्वायर और इसे भी हम लिखेंगे b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अब देखिए कॉमन निकलने वाला जो है उसे हम हाईलाइट करते हैं, कॉमन निकलने वाला है 5, कॉमन निकलने वाला है a पावर 8, कॉमन निकलने वाला है b स्क्वायर। तो अब हम इसे पहले अपने जो पैटर्न में लिख लेते हैं ताकि आपको फिर कॉमन निकालना सिंपल पड़े, सिंपल हो, 5 a पावर 8 b पावर b स्क्वायर, और फिर क्या बचा, जो बचा उसे आप लिख लीजिए, यहां बचा है 4 a पावर 4, ठीक है, माइनस फिर यहां पर क्या आया, वही 5 a पावर 8 b पावर 4, 5 a पावर 8 b पावर सॉरी 2, और बचा क्या है, जो बचा है उसको लिख लीजिए, यहां बचा है 3, ओके, और बचा है b स्क्वायर, ठीक। इस तरह से अब जो हमें कॉमन पार्ट निकालना है वो क्लियरली हाईलाइट हो रहा है, तो अब हम इसे यहां से कॉमन निकाल लेंगे,
ये हो जाएगा 5a पावर 8 b पावर 2, यहां बचेगा 4a पावर 4 माइनस 3b स्क्वेयर। बस इस तरह से इसको करना है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं है। नाउ हियर इफ यू सी इट्स अ ट्राइनोमियल, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइनोमियल एंड देर आर टू वेरिएबल्स m एंड n विच आर देयर इन एवरी टर्म। नाउ व्हाट यू कैन डू, यहां आप सबसे पहले कोएफिशिएंट देखिए, कोएफिशिएंट क्या है 10, 15 और 20, मींस 10, 15, 20 जो है ये तीनों 5 के टेबल में आते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट 5 2 10, इसको मैं लिख दूं m n, m की मिनिमम पावर कौन सी है यहां पर देखिए, m की मिनिमम पावर m स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख देता हूं m स्क्वायर इनटू m, और n की मिनिमम पावर क्या है 1 है, तो मैं इसको लिख देता हूं n इनटू n। ओके 15 को मैं लिखूंगा 5 3 15, m की मिनिमम पावर जो कि हमने m स्क्वायर में लिखा है, तो m स्क्वायर इनटू m स्क्वायर, n एज इट इज। 20 को हम लिखेंगे 5 4 20, m स्क्वायर एज इट इज, और ये जो है n क्यूब को मैं लिखूंगा n इनटू n स्क्वायर। अब यहां पर जो कॉमन है हम उसे पहले हाईलाइट कर लें, यहां देखिए 5 तीनों जगह पर है, ओके उसके बाद m स्क्वायर तीनों जगह है, और उसके बाद n ये जो है सब जगह है, ओके तो हम इसे कॉमन निकालते हैं। पहले हम लिखते हैं यहां पर अपने पैटर्न से, अगर लिखना चाहे तो इट विल बी 5 n स्क्वायर n, और फिर जो बचता है उसे लिख लीजिए, क्या बचता है यहां पर 2 m n प्लस अगेन 5 m स्क्वायर n, उसके बाद यहां क्या बचता है, यहां बचता है 3 m स्क्वायर ओनली, फिर यहां पर फिर से 5 m स्क्वायर n, यहां बचता है 4 n स्क्वायर। बस अब हमें 5 m स्क्वायर n को कॉमन निकालना है एंड विल गेट द आंसर, इट इज 5 m स्क्वायर n, यहां बचता है अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 2 m n प्लस 3 m स्क्वायर माइनस 4 n स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसे इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए 5 2 10, ये 10 आ गया, m स्क्वायर इनटू m, m क्यूब आ गया, m इनटू n, n स्क्वायर आ गया, n इनटू n, n स्क्वायर आ गया, देन 5 3 15 आ गया m स्क्वायर, और m स्क्वायर m पावर 4 हो गया, n एज इट इज n, यहां पर 5 4 20 हो गया m स्क्वायर एज इट इज, और n इनटू n स्क्वायर n पावर 3, तो मींस हमने जो किया है वो करेक्ट है। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हियर इफ यू सी हियर देयर आर 3 वेरिएबल्स l m एंड n, और अगर हम कोएफिशिएंट्स को देखें तो 2 3 4 2 3 4, मींस यहां पर कोई भी ऐसा कोएफिशिएंट नहीं है जो कॉमन निकलने वाला है, 2 3 4 1 के टेबल में आते हैं तो कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है। ओके मींस यहां देखिए l स्क्वायर m n है, यहां l m स्क्वायर n है, और यहां l m n स्क्वायर है, मींस एक यहां पर एक जो है l, वो l यहां पर स्क्वायर के फॉर्म में है, या m स्क्वायर के फॉर्म में, या n स्क्वायर के फॉर्म में, मींस यहां पर तीनों जगह l l m n जो है वो कॉमन निकलने वाला है। तो सबसे पहले काम कीजिए, इसको लिखते समय आप लिखिए 2 l m n इनटू l लिख लीजिए, इसे लिखिए 3 l m n, देखिए m स्क्वायर है तो m को रिपीट कर लीजिए, फिर 4 l m n, और फिर यहां पर n है तो n एक्स्ट्रा लिख लीजिए। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या निकल रहा है, तीनों में कॉमन निकल रहा है l m n, तो सिर्फ आपको l m n को कॉमन निकालना है, इट विल बी 2 l माइनस 3 m प्लस 4 n, और ये इस तरह से फैक्टराइज हो गया। यहां भी ऐसे ही है, यहां तो क्लियरली दिख रहा है कि देखिए 4 4 4 तीनों जगह 4 है, तो 4 कॉमन आएगा, यहां a स्क्वायर है, यहां a है, यहां पर a है, ओके यहां b है, b इन दोनों जगह पर नहीं है, c यहां पर है, वो इन दोनों जगह नहीं है, मतलब एक ऐसा है जो 4 तीनों जगह है और a तीनों जगह है, तो सबसे पहले उसके फॉर्म में हम उसे लिख लें, हम इसे लिखे माइनस 4 इंटू a इंटू a प्लस 4 इंटू a इंटू b माइनस 4 इंटू c इंटू a, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए 4 तीनों जगह है, हम 4 को हाईलाइट कर लें, 4 यहां है, यहां है, यहां है, और ये a, ये भी a और ये भी a, तो 4a को आप कॉमन निकालिए, यहां क्या बचेगा माइनस a प्लस यहां बचेगा b माइनस यहां बचेगा c, बस इस तरह से ये हो गया।
और 17 वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये जो है ax स्क्वायर y प्लस bx y स्क्वायर प्लस cx y z। तो यहां अगर देखें तो a पहले चेक कीजिए तीनों में नहीं है, फिर x देखिए x है यहां पर, x स्क्वायर है यहां, x है यहां, x है, मींस x कॉमन निकलने वाला है, ओके, क्योंकि x स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, मिनिमम पावर क्या है x है, x पावर 1 है, तो फिर x निकलेगा कॉमन, यहां y है, यहां y स्क्वायर है, यहां y, तो तीनों जगह पर y भी है, ओके, और z सिर्फ इस जगह है, तो z विल नॉट बी कॉमन, ओके, तो नाउ वी विल राइट हियर a x y into x plus b as it is x y into y plus c x y z। अब देखिए जो कॉमन है हम उसको हाईलाइट करते हैं, यहां x कॉमन है, यहां भी x कॉमन है, यहां भी x कॉमन है, यहां y कॉमन है, यहां भी y कॉमन है, यहां भी y कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर x y को कॉमन निकालेंगे, यहां बचेगा ax plus by plus cz, बस इस तरह से इसको करना है। आई होप आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो आपको समझ में आए होंगे, और बहुत इजी है, उसको बहुत डिफिकल्ट आप मत समझिए, क्योंकि सिर्फ अगर आपको फैक्टर्स करते आते हैं तो कॉमन फैक्टर्स आपको देखना है, और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपको ये सिंपल लगने वाला है, और वैसे भी ये बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, इफ यू वॉन्ट टू टेक द स्नैपशॉट यू कैन टेक, और इस तरह से इसको करना है। तो फ्रेंड्स अगला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसके अगले वीडियो में मैं बाइनोमियल जो कॉमन होने वाले हैं उनको हम मैं सिखाने वाला हूँ, एंड शेयर दिस चैनल द एक्टिविटी विच वी आर टेकिंग ऑन दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों से इस चैनल के बारे में जरूर शेयर कीजिए, और उन्हें बताइए कि हम इस तरह से आरडी शर्मा को भी सॉल्व कर रहे हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब अगर किया है आपने तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाले जो नए वीडियो होंगे उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी।